गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के लिए क्लास 11 इंग्लिश यूपी बोर्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप का मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आ चुका हूँ, चैप्टर फर्स्ट सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट का। तो सभी लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए पेन और कॉपी को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कवर करेंगे, तो फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपने कॉपी को और पेन को लेकर के, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रोज के चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और अदर एक्सरसाइजेस करवा दिए हैं। तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग भी और शॉर्ट भी दोनों कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग शॉर्ट कवर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग कवर करेंगे, ओके। तो देखते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विथ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। कहने का मतलब है कि सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर आरम को विश्वास करना कठिन क्यों था, है ना, क्यों कठिन था भाई, क्योंकि मुराद यानी जो मुराद है या आरम दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों की जो फैमिली थी, जो परिवार थे, पहले ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। तो आरम को बड़ा इस पर सस्पेंशन था कि ये घोड़ा लाया कहाँ से, ईमानदार है चुरा सकता नहीं, गरीब है खरीद सकता नहीं, तो लाया कहाँ से। तो देखिए चलिए फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं इसके आंसर को। क्या आंसर कर रहा है भाई, इसका आंसर कर रहा है इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर आरम, यह आरम के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट कठिन था टू बिलीव विश्वास करना द साइट दृश्य पर ऑफ हिज कजिन मुराद अपने चचेरे भाई मुराद पर, है ना, तो अपने चचेरे भाई मुराद पर विश्वास करना बहुत कठिन था, ओके। विथ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, इस सफ़ेद सुंदर घोड़े के साथ, बिकॉज क्योंकि मुराद वाज बिलोंग टू ए पुअर एंड ऑनेस्ट ट्राइब। क्या करा है, मुराद वाज बिलोंग, मुराद संबंधित था टू ए पुअर, एक गरीब एंड ऑनेस्ट ईमानदार ट्राइब, कबीले से, समूह से, यानी उसका जो कबीला था, जो उसका परिवार था, बहुत ही गरीब और ईमानदार था। सो इसलिए ही कुड नाइदर बाई, न खरीद सकता है, नॉर नो ही स्टील द हॉर्स, घोड़े को चुरा सकता है। अंडरस्टैंड, समझ गया आप सभी ना। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला भाई, निष्कर्ष निकला कि जो आरम है उसको अपने चाचा चचेरे भाई मुराद पर विश्वास करना बहुत कठिन था कि आखिर ये घोड़ा लाया कहाँ से, गरीब होने के कारण खरीद नहीं सकता और ईमानदार होने का और चुरा नहीं सकता, तो आखिर लाया कहाँ सा, तो है ना सस्पेंशन की बातें, बिल्कुल सही। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है व्हाट डिड जॉन बायरो टेल आरम्स मदर एंड अंकल खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। यानी कहने का मतलब है जब जॉन बायरो को उसका घोड़ा वापस मिल गया तो उसने आरम की माँ तथा अंकल खुसरो को क्या बताया, क्या बताया उसने, क्या कहा, घोड़ा जब उसको वापस लास्ट में मिल गया था तो क्या बताया। चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि क्या बताया वो। जॉन बायरो टोल्ड आरम्स मदर, जॉन बायरो ने आरम्स की मदर से कहा, बोला, क्या बोला, एंड अंकल खुसरो, चाचा खुसरो से भी बोला, यानी उसकी माँ और चाचा खुसरो से बोला, दैट की हिज हॉर्स वाज स्ट्रॉन्गर, उसका घोड़ा मजबूत हो गया है, देन ईवर पहले से, एंड बेटर टेम्पर्ड, और ज़्यादा व्यवहारिक हो गया है, व्हेन ही गॉट द हॉर्स बैक, जब वो अपना घोड़ा वापस पा लिया, ठीक है। तो जॉन बायरो ने क्या कहा, जॉन बायरो ने कहा कि मेरा घोड़ा पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और पहले से काफ़ी अच्छा व्यवहारिक हो गया है और अपना घोड़ा मैं प्राप्त कर लिया हूँ। इस प्रकार से जॉन बायरो को उसका घोड़ा मिल गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तीसरा आंसर बताने से पहले मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो इस क्लासेस को
इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करा थर्ड क्वेश्चन भाई, व्हाट फीलिंग्स डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर, है ना। बहुत ही अच्छा इसका क्वेश्चन है और इतनी अच्छा आपका आंसर हमने आशीष सर ने आप सभी के लिए बनाया हुआ है। तो क्या कर रहा है, कथाकार का उसके चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ, क्या दोनों में डिफरेंस कर रहा है, क्या वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, क्या वो देख रहा है, चलिए फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बात यहाँ आती है, द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट, नरेटर ने देखा पहले एट हिज कजिन, अपने चचेरे भाई की तरफ, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े की तरफ। देयर वॉज ए प्योर स्टिलनेस, उन समय क्या थी, उन दोनों देयर वॉज ए प्योर स्टिलनेस, एक पावन स्थिरता, एंड ह्यूमर हास्यमयता इन ईच देम, उन दोनों में था। प्योर माने होता है पावन, स्टिलनेस माने स्थिरता, एंड ह्यूमर माने होता है हास्यमयता, यानी उन दोनों में एक पावन स्थिरता और हास्यमयता का रिश्ता था। इन ईच ऑफ देम ही वॉज डिलाइटेड, वह खुश था, एज वेल एज फ्राइटेंड, यानी वह खुश के साथ साथ क्या था, डरा हुआ भी था, है ना। तो खुश भी था, डरा हुआ भी था कि मैं क्या करूँ, किस पर विश्वास करूँ, घोड़ा आखिर आया कहाँ से, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह चैप्टर है, आप सबको हमने पढ़ाया है और क्वेश्चन आंसर में करवा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 करा है, वाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, यानी कथाकार ने अपने अंकल खुसरो को सम्मिलित क्यों किया, विच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड, व्यक्ति की कौन सी विशेषता यहाँ मुख्य रूप से दर्शाई गई है, है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, और चाचा जो खुसरो थे किस प्रवृत्ति के थे, क्या उनका डायलॉग था, क्या वो वक्तव्य बोला करते थे हर एक बातों में, हम इस चैप्टर में इस आंसर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नरेटर मेंशन्ड अंकल खुसरो, यानी कथाकार ने मेंशन शामिल किया चाचा खुसरो को, एज इट कैन बी कंक्लूडेड, जैसा कि निष्कर्ष के अनुसार, दैट कि मुराद हैज़ इनहेरिटेड, मुराद को इनहेरिटेड मैंने मुराद को विरासत में मिला है, सम ऑफ द क्वालिटीज, कुछ गुण आप हिज अंकल अपने चाचा के, यानी मुराद को अपने चाचा के कुछ गुण यानी कुछ विरासत उसको मिला हुआ है, क्योंकि हर एक फैमिली में कोई ना कोई सनकी प्रवृत्ति का मिल जाया करता था। तो पिछले पीढ़ी में चाचा जी थे और इस पीढ़ी में मुराद है। अंकल खुसरो वाज अ मैन, अंकल खुसरो एक ऐसे आदमी थे हु जो वाज इरिटेट, वो क्रोधित इम्पेटियन प्रवृत्ति के, एंड फ्यूरियस, एंड फ्यूरियस इन नेचर, और स्वभाव में कैसे थे, स्वभाव में वो काफ़ी गुस्से वाले थे। ही स्टॉप्ड एनीवन, वह किसी को किसी भी को फ्रॉम टॉकिंग, यानी वह बंद कर देते, चुप करा देते थे एनीवन किसी को फ्रॉम टॉकिंग, बात करते हुए, यानी कोई यदि बात करता था तो उसको बीच में बंद कर देते थे, चुप करवा देते थे, और डिस्कसिंग एनीथिंग बाई सेइंग, यानी कोई व्यक्ति किसी भी मैटर पे यदि बात कर रहा हो उनके सामने तो तुरंत बंद करवा दिया करते थे, चुप करा दिया करते थे। हिज फेमस फ्रेज, और अपना बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेज वक्तव्य बोलते थे, क्या बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो, है ना। तो चाचा जी का बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त उनका यह क्या था, उनका यह डायलॉग रहा करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमने कवर किया। शॉर्ट टाइप के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड आरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, क्या करा भाई, कथाकार आरम ने अपनी सवारी का किस प्रकार वर्णन किया है, तो कैसे वर्णन किया है भाई, चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या वर्णन किया है वो। आरम लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स,
आरम उछल कर बैठ गया घोड़े के पीठ पर, बट लेकिन इट डिड नॉट मूव, लेकिन वह नहीं हिला, यानी आरम जब घोड़े की पीठ पर बैठ गया तो हिला तक से नहीं। देन तब ही किक्ड, वह लात मारा इनटू द मसल्स, मांसपेशियों पर, ऑफ द हॉर्स, घोड़े की मांसपेशियों पर लात मारा। इट रोअर्ड एंड स्नॉटेड, वह फुफकारा और दहाड़ते हुए। देन इट बिगेन टू रन, वह दौड़ना प्रारंभ कर दिया। आरम डिड नॉट नो, आरम नहीं जानता था हाउ टू राइड, कैसे घुड़सवारी किया जाता है। द हॉर्स रैन डाउन, घोड़ा दौड़ते हुए डाउन द रोड, सड़क के किनारे चला गया। टू द वाइन यार्ड, अंगूर के बाग में। इट लिप्ड ओवर 7 वाइन्स, वह उस पर उछलने लगा, कूदने लगा, है ना, कुचलने लगा। ओवर 7 वाइन, 7 अंगूर के बागों को। थ्रू द राइडर, और नीचे गिरा दिया राइडर घुड़सवार को। एंड रन अवे, और अपने दौड़ते हुए चला गया। तो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे आरम को, कथाकार को घुड़सवारी करने नहीं आती थी, जब भी वह बैठ के घुड़सवारी करना चाहता था घोड़ा उसको गिरा दिया करता था और अपने दौड़ते हुए निकल जाता था। बात समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ वी एंट्री इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 की। नरेटर द स्टोरी, करें नरेट द स्टोरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड्स। क्या कर रहा भाई, ये कर रहा है लॉन्ग की बात कर रहा है, कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, है ना, वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है, विस्तार से बताना है। तो थोड़ा सा आंसर आपको बड़ा हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट मैंने आप सभी के लिए लिखा है ताकि अच्छे से आप इसको लर्न कर लें और अच्छे से सीख लें। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो क्या करा है, वन समर मॉर्निंग, करा एक दिन गर्मी के सुबह में, आरम्स कजिन मुराद, आरम का चचेरा भाई मुराद, केम टू हिज हाउस, उसके घर आया। ही वॉक हिम, वो उसे जगाया, अप बाय टैपिंग, थपथपा कर, ऑन द विंडो, खिड़की को, यानी खिड़की को थपथपा करके, टैपिंग करके उसको जगाया। आप ही इस रूम, उसके कमरे की खिड़की को थपथपाया और उसको जगाया। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड, करे कथाकार क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू सी, देख कर मुराद को, कि सीटिंग बैठा हुआ है ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर, है ना। जब आरम देखा कि मेरा भाई तो एक सुंदर सा सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ है सुबह सुबह, तो वह आश्चर्यचकित हो गया, स्ट्रेंज हो गया, सरप्राइज्ड हो गया कि आखिर घोड़ा लाया कहाँ से। बात समझ रहे हैं ना। आगे बात करते हैं, मुराद आस्क्ड हिम, मुराद ने उससे कहा, टू बी क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वॉन्टेड, यदि वह चाहते हो, टू राइड, घुड़सवारी करना, यदि भैया घुड़सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। द नरेटर लॉन्ग्ड, नरेटर लंबे समय से, टू राइड एंड जम्प्ड, यानी वो क्या किया, और सवारी करना चाहे घुड़सवारी करना चाहता था, जम्प्ड डाउन, वह नीचे उतरा, कूदा, टू द यार्ड आंगन, कर आंगन में वह नीचे कूदा, फ्रॉम द विंडो खिड़की से वह आंगन में नीचे कूदा, एंड लिप्ड ऑन टू द हॉर्स, और उछल कर बैठ गया घोड़े के बिहाइंड पीठ पर, बिहाइंड हिज कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई के पीठ के पीछे वो बैठ गया। एज दीज फैमिलीज, जैसा कि ये सभी परिवार वर पुअर, गरीब थे। आरम कंक्लूडेड, आरम निष्कर्ष निकाला, दैट कि मुराद मस्ट हैव स्टोलन, मुराद ने अवश्य चुराया है द हॉर्स, घोड़े को। दे रोड, वे लोग घुड़सवारी किए, एंड मुराद सैंग, मुराद क्या करने लगा, गीत गाने लगा, एंड इन्जॉयड, आनंद लिए, देयर राइड, अपने घुड़सवारी का, इन द फ्रेश मॉर्निंग, उस ताज़े सुबह में दोनों लोग आनंद लिए घुड़सवारी करते रहने का। मुराद रोड, मुराद ने अकेले घुड़सवारी किया। इट सीम्ड, ऐसा मालूम पड़ता था, ही हैड अ वे, उसको कोई तरीका पता है विथ हॉर्स, घोड़े के साथ, यानी घोड़े को काबू करने में के लिए उसके पास कोई तरीका है। फार विन, जब आरम ट्राइड प्रयास करता था राइड घुड़सवारी करने का, एलोन अकेला, द हॉर्स थ्रू हिम, तो हॉर्स उसे, घोड़ा उसे गिरा दिया करता था, है ना,
ऑफ गिरा दिया करता था एंड रन अवे, और वह दौड़ने लगता था। इट वॉज ए ब्रॉड डे, यह बहुत लंबे दिन, लाइट एंड क्रय दिन निकल आया था। मुराद हाइड द हॉर्स, मुराद ने घोड़े को छुपा दिया। इन द ब्रेन ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, क्रय उस खंडहर वीरान जगह पर जो अंगूर के बाग थे वहाँ पर उसको छिपा दिया। दैट आफ्टरनून, क्रय उस दोपहर में जॉन बायरो द फार्मर विजिटेड, करा जो किसान था जॉन बायरो यानी जो मालिक था घोड़े का, विजिटेड भ्रमण करने आया यानी आया आरम्स हाउस आरम के घर पर। एंड टोल्ड हिज प्लाइट, और वह कहा हिज वाइट हॉर्स हैड बीन मिसिंग, कि उसका घोड़ा खो गया था फार मंथ एक महीने से। सो इसलिए आफ्टर सम डेज, कुछ दिन पहले मुराद रिटर्न, मुराद ने लौटा दिया द हॉर्स घोड़े को टू इट्स ओनर टू नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले दिन सुबह मुराद ने उसके मालिक के यहाँ घोड़े के मालिक के यहाँ घोड़े को लौटा दिया, वापस कर दिया। तो इस प्रकार से लॉन्ग टाइप का यह पहला आंसर ख़त्म होता है। आप सभी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने क्लास 11th यूपी बोर्ड के हर एक फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ओके, तो लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट आंसर, लॉन्ग टाइप का लास्ट आंसर, आंसर नंबर सेकेंड। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजिन मुराद, चचेरे भाई मुराद से आप किस प्रकार प्रभावित होते हैं, है ना। तो किस प्रकार प्रभावित होते हैं हमें इस वीडियो में देखना है भाई। इस पूरे चैप्टर में मुराद बहुत ही अच्छा बेस्ट कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, सबसे अच्छा रोल किया है। तो देख लेते हैं फटाफट कि क्या उसका रोल है, क्या वह किया है, ठीक है, कैसा वो लड़का था। तो व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ कजिन मुराद, मुराद वाज ए यंग बॉय, मुराद एक छोटा लड़का था, अब 13 साल का। मुराद कितने साल का था, 13 साल का एक लड़का था। ही बिलोंग टू द गर्गोलेनियन फैमिली, वह एक गर्गोलेनियन फैमिली से संबंधित था, बिलोंग करता था आर्मेनिया, जो आर्मेनिया के थे। दियर होल ट्राइब, उसका पूरा कबीला वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीब था। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, करे गरीबी के बावजूद, दियर फैमिली, उसका परिवार वाज फेमस, प्रसिद्ध था फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। मुराद वाज ए क्रेजी बॉय, मुराद एक सनकी लड़का था। मुराद लव्ड हॉर्स राइडिंग, मुराद को पसंद था हॉर्स घुड़सवारी करना, मुराद को घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। ही हैड ए वे, उसको तरीका पसंद पता था विथ हॉर्स घोड़े को काबू में करने का। ही हैड टैम्ड द हॉर्स, वह अच्छा व्यवहार करता था घोड़े के प्रति, बाई अफेक्शनेट बिहेवियर, अपने स्नेह भरे व्यवहार से, यानी अपने स्नेह भरे व्यवहार से घोड़े को क्या किया, अच्छा व्यवहार करने लगा था। एंड द हॉर्स वॉज नो लॉन्गर वाइल्ड, और घोड़ा वॉज नो लॉन्गर वाइल्ड, लंबे समय तक वो वाइल्ड यानी जंगलीपन नहीं दिखा पाया, यानी को अच्छे प्रवृत्ति का हो गया था। इट ओबेड मुराद फैथफुल्ली, वह आज्ञा का पालन करता था मुराद के फैथफुल्ली वफादारी से, है ना, वो वफादारी से मुराद की आज्ञा का पालन करता था। मुराद बहुत ही अच्छे से घोड़े को पालना सीख गया था, बहुत ही अच्छा से उसका व्यवहार कर रहा था, बात समझ गए ना। चलिए, वन डे, एक दिन, द डॉग्स ऑफ जॉन बायरो, यानी जब मुराद क्या किया, जब जॉन बायरो के यहाँ अपने उस घोए घोड़े को पहुँचाने गया ना, तो क्या करा है, वन डे, एक दिन, द डॉग्स ऑफ जॉन बायरो, जॉन बायरो का जो कुत्ते थे, फॉलोड हिम, उसका पीछा करने लगे, अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, बिना कोई आवाज़ की उसके चारों तरफ पीछा करने लगे। ही ट्रीटेड अ यंग, करे वह इलाज कर रहा था, वह रिपेयरिंग कर रहा था यंग रॉबिन, एक नन्ही सी रॉबिन नामक पक्षी का, जिसके पंख जो थे ना क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, लिखा है विच हैड हर्ट इट्स विंग, जिसके पंख घायल हो गए थे। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फैमिली फॉर ऑनेस्टी, करा उसको गर्व था अपने परिवार के ईमानदारी के लिए, अपने परिवार की ईमानदारी के लिए उस पर बहुत गर्व करते थे सब। तो एक बार फिर से देव क्लासेस पर व्यासी सर आप सबको एक ही बात कहना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अब फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और अब देव क्लासेस पर पेड क्लास भी स्टार्ट हो गया है, तो पेड क्लास के लिए 9794511363 पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, क्योंकि आपको 6 मंथ के कोर्स में आपको वीडियो, लेक्चर, लाइव क्लास, पीडीएफ, ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक दोनों मिल रहा है। तो आज ही देव क्लासेस के पेड क्लास से ज्वाइन करें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें और देव क्लासेस के साथ डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें। तो ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप दोनों ख़त्म हो गया। अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। आशीष सर आपके मैसेज का इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।